श्रीमान जी, कप्तान साहब ने आपके जिले में ये डायल FIR शुरू किया, किस तरीके से आप लोग काम करते हो, कैसे लोगों को मदद होती है? हमारे कप्तान साहब ने ये जो पहल की है बहुत अच्छी पहल है। उत्तर प्रदेश में ये तीसरा जिला है जिसमें ये योजना लागू है, और इसमें ये जैसे मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन चोरी हो गया तो हम जो आबादी को इसकी FIR काट के दे देते हैं, और वो एक वहाँ चली जाती है, एक थाने को दे देते हैं। अब जो है किसी भी मतलब किसी भी पीड़ित को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है उसे, इसमें अगर उसमें FIR भी डेफिनेटली होती है इसमें, तो उसमें जो है किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, थाने नहीं जाना पड़ता। हाँ, आप लोग पर्ची काटने करने के बाद में उसको परेशानी से बचाया जा सकता है। हाँ, उसे परेशानी से बचाया जा सकता है, उसकी हम जो ये प्रतियां दे देते हैं वो इसमें निश्चित तौर पर उसकी FIR लिखी जाती है, उसे किसी कोई भी तरीके से चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। तो सर, आपने डायल FIR का एक लॉन्च किया है, किस तरीके से क्या FIR हुआ करेगी, क्या सुविधा मिलेगी लोगों को? देखिए, ये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की पहल है, और इसमें जो जनपद में जो भी यूपी अंडर की गाड़ियाँ चल रही हैं, ये जब भी कोई मुसीबत में होता है तो वहाँ जाती हैं, और कई बार जो है अज्ञात में चोरी हो जाती है, या अज्ञात में लूट हो जाती है, या अज्ञात में कोई मोटरसाइकिल चोरी वगैरह हो जाती है, तो उसमें कई बार वादी को थाने में इधर उधर घूमना पड़ता है। तो जो भी डायल अंडर की गाड़ी जाएगी यदि उसको लगता है कि इस इवेंट में FIR होनी चाहिए, तो वो एक रसीद देगी वादी को, और उस रसीद को लेकर वादी यदि थाने पर आता है, हमारे पास आता है, तो सत्ता लेता है, दर्ज की जाएगी, इसमें वादी को घूमना नहीं पाएगा। तो एक तरह से पुलिस आपके द्वारा इस तरह की पहल माननीय DGP सर।